woman and her 15-month-old child were murdered in their home. Evil presence is in his family. Hands up right now! I believe. दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडर द बैनर ऑफ हेवन वेब सीरीज का एपिसोड 3। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो हमने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जैब को देख सकते हैं। दोस्तों, वह अपने साथी के साथ डिटेक्टिव डाबा को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। एक जंगल में उसे डिटेक्टिव की कार मिलती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं उसे ज़ोर ज़ोर से कुछ बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपनी और फोर्स बुला लेता है। जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं, एक कुत्ता उसके ऊपर अटैक करता है, पर वह बंदा होने के कारण जैब के पास तक नहीं पहुंच पाता। जैब डिटेक्टिव टावा के पास पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव जैब की वाइफ को देख सकते हैं। वह जोशी को ढूंढ रही होती है। जोशी डिटेक्टिव की माँ है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम जैब की और फोर्स को देख सकते हैं। जैब की टीम को वहाँ पर एक बच्ची मिलती है। उस बच्ची का नाम जेनी लफर्टी होता है। उसके पिता का नाम सैम है और माँ का नाम सारा होता है। वो ये भी बताती है कि उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को और उसकी माँ को खाना लेने के लिए भेजा है। वह उससे यह भी पूछता है कि क्या तुम अंकल एलन और आंट ब्रेंडा को जानती हो। वह बताती है कि वह उनसे खास ओकेजन्स पर मिला करती थी, जैसे कि फैमिली फ़ोटो सेशन। वहीं हम जेनी की माँ को देख सकते हैं। वह जेनी पर चिल्ला रही होती है कि सी इज़ अ लायर। जैब उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर आर्मी बनाई जा रही है अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस के खिलाफ। वहीं वह उससे ब्रेंडा और एलन की शादी के बारे में पूछता है। वह कहती है कि यह तुम्हें ब्रेंडा और एलन से ही पूछना चाहिए, ना कि मुझसे। वहीं वह कहता है कि वह कभी ब्रेंडा से नहीं मिला। वह कहती है कि वह वहाँ पर थी, यानी कि ब्रेंडा की मैरिज में। जैब पूछता है कि आखिर तब हुआ क्या था। वह बताती है कि वह चर्च में बात कर रही होती है तो चर्च की सिस्टर उसे टोक देती है। जैब कहता है कि उसने अपनी शादी के दिन ही रूल्स तोड़े थे। जैब अंदर जाता है बिना हथियार के। अंदर बैठा सैम कहता है कि अपने आदमी वापस लेकर चले जाओ, मैं ये गुस्ताखी माफ़ कर दूंगा। जैसे ही सैम बंदूक बाहर निकालता है, जैब अपने आदमियों को इशारा कर देता है और वह लोग अंदर घुस जाते हैं। वह लोग सैम को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ से एक सस्पेक्ट भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जैब की वाइफ को देख सकते हैं। वह मम्मा जोशी को ढूंढ रही होती है। वहीं उसे वह वहाँ पर मिल भी जाती हैं। वह उस आदमी को थैंक्स बोलती हैं जो कि उन्हें वहाँ तक छोड़ने आया था। जैब की वाइफ जैब को पूरा इंसिडेंट बताती है। जैब भगवान को थैंक्स बोलता है। वहीं हम जेनी को पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं। लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम अपने पिता की हेल्प कैसे करती थी। वह बताती है कि वह खाना और बेरीज को घर पर लाती थी और इसी से वह उनकी मदद करती थी, और हाँ, बिना किसी बुरे आदमी को पता चले। वह लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बुरे आदमी से क्या मतलब। वह बताती है कि वो लोग जो कि यूनिफॉर्म में होते थे। जेनी उनसे कहती है कि उसके पिताजी तो लीडर भी नहीं हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाने दो। जय पूछता है कि फिर कौन है लीडर। वह बताती है कि हेवनली फादर लीडर को चुनते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम सैम के फादर को उसे डांटता हुआ देख सकते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि मैं अपना घर खोने वाला हूँ, क्योंकि तुमने टैक्स और लाइसेंस फीस नहीं भरी। वहीं उसके फादर उसे बताते हैं कि एक लॉ के अनुसार गवर्नमेंट के लॉज और कानून को मानना चाहिए। वह यह भी कहता है कि तुम अपने भाइयों को हिप्नोटाइज कर सकते हो, पर मुझे नहीं। वह सबके सामने उसे बेल्ट से भी पीटता है। रॉन उन्हें रोकता भी है और कहता है कि यह सब बच्चे देख रहे हैं। रॉन और उसके डैड में फाइट होने लगती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जैब को और उसकी फैमिली को देख सकते हैं। जैब अपनी वाइफ को किस करता है और वह कहता है कि अब उसे वापस जाना होगा। उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश भी करती है। वहीं हम जैब को एलन के पास देख सकते हैं। वह उससे कहता है कि तुम शादी के दूसरे दिन ही अरेस्ट हो गए थे। वह कहता है कि तुमने जज के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया था उसे रिकॉर्ड करके, और हो सकता है कि तुम और सैम एक ही टीम में हो। वह उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो, और या फिर तुम किसे बचा रहे हो। वह बताता है कि उसने और ब्रेंडा ने मैरिज प्लान की थी जिस दिन वह BYU से ग्रेजुएट होने वाली थी, उसके एक दिन ही पहले, जिससे कि उसकी फैमिली को डबल खुशी मिल सके। वह कहता है कि वह उसके लिए फ्लावर्स खरीदने के लिए गया था, पर तभी
उसका भाई उसे ट्रैफिक फाइन भरने से मना कर देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ब्रेंडा काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि एलन ने अपने भाइयों को चुना था उसके आगे। हम ब्रेंडा और सैम को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि ब्रेंडा सैम को बचाने की कोशिश कर रही होती है, वहीं एलन के भाई टैक्स के अगेंस्ट होते हैं तो वह कहते हैं कि उन्हें एलन का फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जैव उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने भाई और अपनी वाइफ के बीच की इस दरार को हटाने की कोशिश की थी। वह कहता है कि वह हर कीमत पर ब्रेंडा को खुश देखना चाहता था। वह ब्रेंडा से कहता है कि हमें हमारी नई ज़िंदगी और नई फैमिली शुरू करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी जॉब तुम्हारा पूरा टाइम ले लेती है और तुम काफ़ी थक भी जाती हो, पर वो कहती है कि वह चैनल 11 पर काम करती है जो कि बहुत फेमस है। वह कहता है कि तुम्हारे पास डिग्री है, लोग तुम्हें ज़रूर हायर करना चाहेंगे। वह बताता है कि वह कहीं ना कहीं ब्रेंडा पर पाबंदियाँ सी लगा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।